हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम कर रहे हैं फेशियल अपना, वो भी DIY फेशियल। लाइक जो भी किचन में चीज़ें होंगी आज हम उससे फेशियल करेंगे। आज हम कोई प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे अपने फेस के ऊपर। तो अगर आप लोगों के पास क्लिंजर, स्क्रब या मास्क नहीं है तो आप लोग घर की चीज़ों से भी फेशियल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लिंजिंग अपने फेस की, और रॉ मिल्क से बेहतर कोई क्लिंजर हो ही नहीं सकता, क्योंकि रॉ मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपके पोर्स के अंदर तक से जितना भी डर्ट, ऑयल और जितनी भी गंदगी होती है वो सब साफ कर देता है। इतना भी ऑयल होता है वो सब हटा देता है। अगर तो आपके फेस पे सन बर्न हो रखा है या फिर एक्नी हुई हुई है या कोई इरिटेशन आपकी स्किन पर चल रही है, तो रॉ मिल्क से बेहतर जो है कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकती। ये आपको बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगा, और जो रॉ मिल्क होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है जो कि हेल्प करता है इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने में। और जी, यहाँ हमारे क्लिंजिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फेस को वॉश करेंगे, और अब आप देखें कितना अच्छा सा ग्लो आ गया है। अभी सिर्फ हमने अभी क्लिंजिंग की है, लेकिन हमें पूरा प्रोसेस करना है इसका। तो अब हम करेंगे स्क्रब, और स्क्रब के लिए जो मैंने चीज़ें यूज़ करी हैं वो हैं हमारे पास कॉफ़ी, मिल्क, और हमारे पास एक और इंग्रेडिएंट है और वो है ओट्स। अब आप कहोगे भाई ओट्स तो खाते हैं, मुंह पे क्यों लगा रही हूँ? लेकिन सुनो, मैं मुंह पे क्यों लगा रही हूँ कि ओट्स जो होते हैं वो एक बेहतरीन एक्सफोलिएटर है जो आपके स्किन को क्लिंज भी करता है, आपके फेस से जितना भी डर्ट है उसको हटाता है, आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करता है, और स्किन के अंदर किसी भी किस्म का अगर कोई परेशानी चल रही है उसको रिड्यूस करता है, उसको ख़त्म करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। लाइक अगर आपने इसको लगाया है ना अपने मुँह से, तो ये आपके मुँह पर जितने भी डर्ट है ना, ऑयल है, वो सब लेके हटेगा। हमारे फेस की स्क्रबिंग भी हो चुकी है। अब हम आएंगे अपने लास्ट पार्ट के ऊपर जो कि है मास्क। ये मास्क आप कोरियन मास्क भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला था, क्योंकि इसके अंदर है राइस, रॉ मिल्क और हनी। अब जो राइस होते हैं वो कोरियन प्रोडक्ट, मतलब कोरियन जो प्रोडक्ट्स होती है ना, उस हर एक प्रोडक्ट के अंदर राइस का आपको एक्सट्रैक्ट ज़रूर दिखेगा। मतलब उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट राइस ज़रूर होता है, क्योंकि कोरियंस जो होते हैं वो अपनी हर प्रोडक्ट के अंदर राइस को ज़रूर ऐड करते हैं। और राइस को वो ऐड करते भी इसलिए क्योंकि ये स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है, और ये आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाता है। लाइक इसको लगाने के बाद आपकी जो स्किन होती है ना, वो बिल्कुल बेबी स्किन जैसे सॉफ्ट स्किन होती है ना, बिल्कुल उस तरीके से आपको फील होती है। और इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। अगर मैं यहाँ गिनवाने बैठूँ ना तो ये वीडियो कम पड़ जाएगी, लेकिन मैं आपको कुछ बताती हूँ इनके अंदर से कि ये हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर काम करता है, ये सन टैन को रिवर्स करता है, ये हाइड्रेशन को बूस्ट देता है, और आपकी जो स्किन है ना वो ग्लास लाइक स्किन बना देता है। अब ग्लास लाइक स्किन का मतलब ये नहीं है कि आपने आपकी स्किन जो है वो शाइन मारेगी और इधर लाइट पड़ेगी और उधर जाएगी, इस तरीके से ग्लास लाइक स्किन नहीं होती। ये जो दिखाते हैं इंटरनेट वगैरह के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड हुए हुए होती हैं चीज़ें, तो इसके ऊपर यकीन नहीं करें। ग्लास लाइक स्किन का मतलब ये होता है कि आपके फेस पे पिंपल्स, एक्नी, एक्नी मार्क्स, इन सब का नामो निशान नहीं होगा। जब आप अपनी स्किन को इस वर्जन के ऊपर अचीव करते हैं ना, तो उसको हम ग्लास लाइक स्किन कहते हैं। ये मास्क लगा के आप 10 मिनट्स वेट करेंगे और फिर अपने फेस को वॉश कर लेंगे। अब आप देखें मेरे स्किन के ऊपर ग्लो, खुद चेक करें आप। और हमारा फेशियल यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें स्किन केयर भी करना है। तो पहले हम अपने फेस के ऊपर रोज़ वाटर को स्प्रे करेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारा पीएच लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हो, तो जो रोज़ वाटर होता है वो हमारे पीएच लेवल को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हाइलोरोनिक एसिड पॉप मी आउट लैशेस का। ये बहुत बेहतरीन सीरम है। लाइक अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, तो फिर ये आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है, क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त हाइड्रेशन देता है, एकदम स्किन को प्लम्प कर देता है। वैसे तो मेरी स्किन ऑयली है, लेकिन आजकल का जो वेदर चल रहा है ना, उसके अंदर मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई और अजीब सी हो रही थी। तो जब मैंने इसको लगाना स्टार्ट करा ना, शुक्र है मेरी स्किन ने सांस लिए, क्योंकि बहुत बुरी हो रही थी। और ये बहुत ज़बरदस्त सीरम है, ये है पॉप मी आउट लैशेस का। आप इनके पेज पर जाके देख सकते हैं, इनके सारे सीरम्स ही बहुत अमेजिंग है। मैंने इनका हाइलोरोनिक एसिड सीरम यूज़ करा है, जो मैं अभी कर भी रही हूँ, और मैं इनका विटामिन सी सीरम यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत अमेजिंग है। तो आप इनके पेज पर जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आप देखें मेरे फेस के ऊपर ग्लो आ गया है, थोड़ी सी स्किन प्लम्प हो जाएगी, आपको खुद फील होगा कि हाँ आपकी स्किन जो है ना वो अच्छी हो रही। अब हम इस तरीके से अपने मुंह पे चमाटे मारेंगे हल्के हल्के से, ताकि ये जो हमारे स्किन के अंदर ना
अब्सॉर्ब हो जाए बिल्कुल। अब जी हम इनका यूज कर रहे हैं स्किन रिवाइवर सीरम जो कि है विटामिन सी सीरम और ये बहुत बेहतरीन सीरम है। लाइक अगर आपके स्कार्स का मसला है, आपको एक्नी मार्क्स हो गए उसका मसला है, ये आपकी स्किन को एकदम से ज़बरदस्त कर देगा। लाइक आपके स्किन के जितने भी एक्नी मार्क्स हैं उनको हटा देगा। आपकी अगर डबल टोन हुई हुई है ना स्किन तो वो भी ठीक हो जाएगी। विटामिन सी सीरम का अगर मैं आपको बताऊं तो ये हर स्किन के ऊपर सूट नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सीरम है ना ये हर स्किन के ऊपर सूट हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने सेंसिटिव स्किन के ऊपर यूज़ करके देखा है। उनकी स्किन के ऊपर ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बैठा है, ना उनको कोई पर्जिंग हुई ना कुछ हुआ। तो अगर आप लोग भी एक अच्छे विटामिन सी सीरम की तलाश में हैं तो ये है वो, यही है वो, यही है। अब हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र, जेल मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और मैं जेंट्स का पॉन्ड्स का ही जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, सॉरी। अच्छा जी, जब भी आप मसाज करें ना, मतलब जब भी आप मॉइस्चराइज़र लगाएं तो अपने फेस को ज़रूर मसाज कर लिया करें, क्योंकि इससे क्या होता है आपका फेस एकदम चिजल्ड और लिफ्ट अप लगता है। तो हाँ, ये अपनी एक आदत बनाएं अपने फेस को मसाज करने की। अब हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सनस्क्रीन, ये है निर्वाणा बोटैनिक्स की। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, निर्वाणा बोटैनिक्स की जो सनस्क्रीन है वो मैं जब यूज़ करती हूँ जब मैं घर होती हूँ, लेकिन जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो फिर मैं ऑर्गेनिक ट्रेवलर्स की यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो अगर आप लोग घर में रहते हैं तो फिर आप लोग निर्वाणा बोटैनिक्स की ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों का बाहर जाना है डेली बेसिस पर तो फिर आप लोग ऑर्गेनिक ट्रेवलर्स को प्रेफर करिएगा, वो ज़्यादा अच्छी है। तो अब हम यहाँ पर लिप बाम लगा रहे हैं और यहीं पर ही हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी स्किन मेरी लग रही है, कितनी हेल्दी स्किन लग रही है, ये है कमाल स्किन केयर करने का। तो यहीं हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।